कैसे भी जो गलती है, जो गड़बड़ी है और जो कमी है वो शुरू से ही सिस्टम में शुरू हो जाती है और उसके बाद आगे चल करके बीते रात मैं घाटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर से अपने एक कार्यकर्ता के घर शादी समारोह में गए थे। वहाँ से लौट रहे थे लगभग 11 बजे रात्रि में दो बाइक सवार चार अपराधी के द्वारा और बीबीगंज फोर्ड का जो शोरूम है उसके सामने घेर कर गाड़ी को रोका गया और गाली गलौज करते हुए पिस्तौल तान दिया गया गाड़ी के ऊपर और गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की गई। इस बीच हमारे सुरक्षा में तैनात जो सरकारी अंगरक्षक है उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट के उपरांत वो अपराधी वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर हम लोगों ने उस अपराधी का पीछा किया, बहुत पीछा करने के बाद भी उनका ट्रेस नहीं हुआ। तब जाकर हम स्थानीय सदर थाना के इंस्पेक्टर को खबर किया, फिर आईजी मुजफ्फरपुर से बात करके पूरी घटना की जानकारी हमने दिया। मुझे लगता है कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण कुछ लोग मेरे जान पर पड़े हुए हैं और मेरा हत्या कराना चाहते हैं। कोई संदेह किसी पर? कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम वैसे लोगों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि गोली पिस्तौल और रिवॉल्वर के बल पर मैं झुकने वाला नहीं हूँ। और मौत जो है जीवन में एक बार आता है और मन बेमन सबको इसको स्वीकार करना पड़ता। हम तैयार हैं चाहे जिस रूप में हमारे विरोधी हमारे सामने आएंगे हम उनका जवाब उसी रूप में देंगे। जी, अपराध का ग्राफ भी बढ़ गया इधर व्यवसाय से लेकर। देखिए, अपराध का ग्राफ तो पूरे राज्य में बढ़ गया है। अपराधी का अभी मनोबल काफ़ी ऊंचा हो गया है, प्रतिदिन बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, ये सही बात है। लेकिन जब तक हम और आप इसके खिलाफ उठ के खड़ा नहीं होंगे तब तक समाज से जो अपराध का प्रवृत्ति हो दूर नहीं हो सकता है। इसके लिए आम लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा।